ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತ. ಅಂಕಲ್, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಮೈಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? दोस्तों, कन्नड़ा यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री की और एक जो बहुत ही प्यारी मूवी है वो है रक्षित शेट्टी स्टारर 777 चार्ली। इस मूवी की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द इस मूवी के टीजर रिलीज की जाएगी। टीजर हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा मेकर्स का कहना है दोस्तों। और मूवी के अंदर प्यारी सी डॉगी को लेकर जो एक हार्ट टचिंग वाली लव स्टोरी दर्शाई जाएंगे इस मूवी के अंदर, वो देखने लायक होंगे इस मूवी के अंदर, यानी 777 मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर अलग अलग ब्यूटीफुल लोकेशन हमें देखने को मिलेंगे इंडिया के, जैसे कि कुछ ही दिन पहले इस मूवी की शूटिंग जो कश्मीर में कंप्लीट हुई थी। अगर मैं खुद की बात करूं, अगर कोई मुझे पूछे कि लव स्टोरी मूवी देखना आपको कैसा लगता है, तो मेरा जवाब यही होगा दोस्तों, बहुत देख ली मैंने लव स्टोरी मूवी, लड़का लड़की को प्यार करना, किस वगैरह, रोमांस वगैरह। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आई डोंट लाइक रोमांटिक ड्रामा लव स्टोरी मूवी। लेकिन दोस्तों, अगर ह्यूमैनिटी के साथ साथ एनिमिलिटी देखने को मिले, अगर किसी एनिमल के लिए आपके दिल पे प्यार हो, वो सबसे बड़ी बात होते हैं, और आप इंसान कहने का हक तभी रखते हो। और इस मूवी के अंदर यानी 777 सरली पे एनिमिलिटी के साथ साथ लाभ की जो रियल फैक्ट है वो हमें समझ में आ जाएगा। कुछ मूवी ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपके दिल को छू जाए, और इस मूवी के अंदर भी यानी 777 सरली मूवी के अंदर एडवेंचर कुछ ऐसे मोमेंट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेडी भी देखने को मिलेंगे आपको इस मूवी के अंदर, ड्रामा भी, और साथ ही साथ दोस्तों हार्ट टचिंग वाले जो कुछ मोमेंट होते हैं वो देखने लायक होंगे इस मूवी के अंदर। रक्षित शेट्टी जो कि अवनी श्रीमान नारायणा मूवी के बाद उनकी नेक्स्ट मूवी है ये मूवी 777 सरली, जो कि इसी साल में 2021 को ही रिलीज की जाएगी। हालांकि दोस्तों अभी तक इस मूवी की रिलीज डेट फिक्स्ड नहीं हुए। इस मूवी को यानी 777 सरली इस मूवी को प्रोड्यूस्ड भी किया है रक्षित शेट्टी जी ने ही, वही दोस्तों मूवी को डायरेक्शन दिया है किरण रास के ने, और म्यूजिक होगी इस मूवी के अंदर नॉबिन पॉल की। इस मूवी के अंदर बहुत सारे कलाकार हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों रक्षित शेट्टी तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों संगीता श्रीनगरी, राजवीर शेट्टी, गोपाल कृष्णा देशपांडे जी होंगे, और अभिजीत मोहिश को भी इस मूवी के अंदर हमें स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों और भी बहुत सारे कलाकार इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे, और अभी ये कहना मुश्किल होगा इस मूवी को कितने भाषाओं के साथ रिलीज किया जाना है, जबकि दोस्तों अभी तक कोई सही रिपोर्ट नहीं आए हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आगे की अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।